हेलो, नमस्कार दोस्तों भाई। आज हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अखबार में दो नोटिस, एक नोटिस आया है और एक पुलिस की तरफ से नोटिस आया है। तो हम देखते पहले वाले नोटिस पे, पुलिस वाले पे। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग में अब सिलेबस में होगा संशोधन, नई भर्ती जवानों को मिलेगा प्रशिक्षण। ट्रेनिंग में IB, CBI और NIA के जवान काम करने के तरीके सीखेंगे पुलिस जवान, मतलब NIA, CBI और IB के काम करने के तरीके सीखेंगे पुलिस जवान। देखो भाई, मैं एक बार थोड़ा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। ठीक है भाई, देखो, साइबर क्राइम व कंप्यूटर ट्रेनिंग के दौरान होंगे कॉन्स्टेबल से लेकर DSP। हरियाणा पुलिस भर्ती में होने वाले नए जवानों को सिर्फ ट्रेनिंग की कार्यशैली प्रशिक्षण नहीं होंगे, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, CBI, CRPF से भी ट्रेनिंग लेंगे, ताकि एजेंसियों की शुरुआत में शुरुआत में होने वाले कांस्टेबल को लेकर DSP इन एजेंसियों को टीम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक रहेंगे और देखने में एजेंसियों के अधिकारी और कर्मचारी किस प्रकार काम करते हैं। इन एजेंसियों को सीनियर अफसरों को भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में बुलाया जाएगा और हाईकोर्ट के केसों की स्टडी कराई जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें यह भी पता रहेगा कि किस केस में क्या कमी रह गई और किस केस में ऐसी क्या पड़ताल है जिसमें दोषियों को पूरी सजा हो सके। भाई ये कहना यह चाहता है कि अब हरियाणा में है ना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी नए जवान भर्ती होंगे उनके लिए IB, CBI और NIA साथ और CRPF के जवान 3 से 7 दिन तक उनको ट्रेनिंग के गुर सिखाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे भाई कैसे क्या केस की स्टडी करते हैं। फिर इनको ये अब की बार ये जो नए कांस्टेबल भर्ती होंगे, SI होंगे, DSP जो भी भर्ती चल रही है उन सभी को इस मामले में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। भर्ती पूरी होते ट्रेनिंग पर जाएंगे 6,000 सैनिक भाई, 6,000 की वो भर्ती अटकी हुई हो तो इनके बाद 6,000 और ट्रेनिंग पर जाएंगे। नए सिलेबस में DSP और SI के 75 पीरियड बढ़ गए हैं, DSP और SI के 75 पीरियड बढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। DSP और SI सिलेबस में जल्द ही नोपुस्त के सिलेबस में जारी होंगी। हमने पुलिस ट्रेनिंग सिलेबस का तैयार कर जल्द ही नोपुस्त के सिलेबस के लिए लिखी जाएंगी लिखे जाएंगे और सिलेबस के लिए तैयार सिलेबस विस्तार से जानकारी होगी। DGP ने ट्रेनिंग में पुराने सिलेबस को संशोधन के लिए मेरी अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, अभी इस पर अभी वो काम चल रहा है। ये है हनीप कुरैशी, ADG अध्यक्ष, इस कमेटी के अध्यक्ष ADG हैं ये, ठीक है भाई। अगली खबर पे चलते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग CET एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का पब्लिक नोटिस जारी करेगा। ग्रुप C और ग्रुप D में 1200 परीक्षा केंद्रों में 5 शिफ्टों में 5-6 नवंबर को होगी, 4 शिफ्टों में 5 और 6 नवंबर को पेपर होगा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगभग 11 लाख युवाओं को इंतजार कर रहे हैं। इसे यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित करवानी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग NTA के साथ MOU कर रखा है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कार्य 10 जुलाई को पूरा किया जा चुका है। NTA परीक्षा की तैयारी पूरी कर चुका है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा से पूछा कि CET की परीक्षा पूर्व घोषित तारीखों पर ही होगी। उन्होंने जवाब दिया कि CET 5-6 नवंबर को होगी और एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले डाउनलोड करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। परीक्षा चरखी दादरी, रोहतक, नू और सोनीपत और झज्जर जिलों में नहीं होगी, 4 जिलों में नहीं होगी, ठीक है। और 1200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा तय समय पर 5 से 6 नवंबर को 4-4 शिफ्टों में की जाएगी। और ये भाई ग्रुप D और खेल कोटे के लिए
वैधता बढ़ाने के लिए आग्रह किया। ग्रुप 2019 में ग्रुप डी की चयन सूची जारी की थी और चयन सूची के तुरंत बाद जींद उपचुनाव था। इस उपचुनाव में भाजपा की जबरदस्त जीत हुई थी। इनमें खेल कोटे से लगभग 1500 उम्मीदवार चयनित हुए थे। हाईकोर्ट के निर्देश देकर नए विज्ञापन के समय जो नियम विज्ञापन के समय थे उन्हें खेल ग्रेडुएशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब विज्ञापन करा था ना जो भर्ती का उस टाइम खेल ग्रेडुएशन सर्टिफिकेट अनिवार्य थी। अब ये नियम चेंज कर दिया। इस वजह से खेल कोटे में कई उम्मीदवार बाहर हो गए और खेल कोटे की वेटिंग सूची से उम्मीदवार लगते रहे। अभी कुछ सीट खाली बची हुई हैं भाई। और चयन सूची की वैधता 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाई थी और रिक्त पदों के उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश के लिए, मगर आयोग ने सिफारिश नहीं की। मतलब रिक्त पदों को भरने के लिए खेल कोटे से कर्मचारी चयन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं। दैनिक सवेरा को जानकारी मिली कि आयोग मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि चयन सूची की वैधता बढ़ाई जाए। दैनिक सवेरा ने मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि वैधता सूची बढ़ाई जाए। इसके अलावा आयोग ने पूछा है कि खेल कोटे में जितने पद रिक्त हैं उन्हें सिफारिश करने के लिए उन उम्मीदवारों को बुलाना पड़ेगा जिनको पहले ही वेटिंग सूची में नहीं है। इसे दस्तावेज के जांच के लिए बुलाना होगा क्योंकि जो वेटिंग सूची तैयार की थी उनमें रिक्त पद नहीं भरे जा सके। तो भाई ये वेटिंग सूची वाली है, ठीक है, ठीक। और सीईटी का एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले भाई जो नोटिस आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग सेंटर वाला था, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।